आज हम बनाएंगे दाल मखनी। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप उड़द की दाल और 1 कप राजमा लिए। इसको मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसको एक कुकर में डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी कटी हुई प्याज, 2 चम्मच नमक, 2 गिलास पानी और उसको हम 2-3 सीटी लगा लेंगे। मैंने ये 2 टमाटर लिया, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन, इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो मैंने पीस लिया है। अब मेरी दाल पक गई है। मैंने इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी तेल, 3 चम्मच बराबर। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लौंग, 3 साबुदाना लौंग और थोड़ी सी जीरा। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब एक पत्ती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर मैं ये टमाटर, पिसा हुआ टमाटर को डाल देंगे। इसको अच्छे से हम पका लेंगे। मैंने दाल को अच्छे से घोट लिया है, अच्छी तरह पक गई है। हमारी मसाला अच्छे से पक गई है, मसाला तेल छोड़ने लग गई है, मसाला पक गया। अब हम इसमें डाल लेंगे दाल। डालेंगे थोड़ी सी और पानी। बन गई दाल, बन गई। अब हम इसमें डाल लेंगे मक्खन। मैंने मक्खन डाल दिया और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी मलाई। मलाई डाल के ये और भी स्वाद हो जाएगी। मैंने 2-3 चम्मच मलाई डाल दी। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। डाल देंगे थोड़ी सी हरा धनिया। हमारी दाल मखनी बनके तैयार है।